नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विभिन्न फसलों का ट्रेप क्रॉप का बारे में। हम लोगों का आसपास में काफी सारे क्रॉप्स है जो दूसरा क्रॉप्स को मदद कर सकते हैं उसका कीड़ा कंट्रोल में। हम लोगों का आसपास में और काफी सारे क्रॉप्स है जो कीड़ा लाने में मदद करते हैं, तो वो हम लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं है, तो हम इसको होस्ट प्लांट बोलते हैं और जो कीड़ा कंट्रोल में हेल्प करते हैं उसको ट्रैप क्रॉप बोलते हैं। तो आज उसी का ऊपर हम लोग बात करेंगे कौन सा क्रॉप्स के लिए ट्रैप क्रॉप है। डिफरेंट स्टडी में देखा गया है कि ट्रैप क्रॉप 60-70% कीड़ा को कंट्रोल कर देते हैं। ट्रैप क्रॉप खेती करने से हम लोगों को प्रॉपर जानकारी लेना बहुत जरूरी है। प्रॉपर जानकारी लेके हम लोग ट्रैप क्रॉप का खेती करेंगे तो कीड़ा कंट्रोल होने का बहुत चांसेस रहते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए इसके बारे में पूरा जानकारी लेने के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैगन का ताना छेदक और फल छेदक कीड़ा का बारे में। काफ़ी सारे किसान को हम लोग देखे हैं कि ताना छेदक और फल छेदक कीड़ा का कंट्रोल करने के लिए बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि ये जो कीड़ा है इसका जो लाइफ साइकिल होता है इसको पूरा कंट्रोल करने में हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये जो बैगन है इस कीड़ा को कंट्रोल करने के लिए इसका ट्रैप क्रॉप हिसाब से गेंदा को खेती किया जाता है। जहां हम लोग बैगन का खेती करते हैं उसका 10 रोज के बाद एक रोज गेंदा का खेती हम लोग करेंगे तो ये कीड़ा 60-70% कंट्रोल हो जाता है। किसी जमीन में निमाटोड का प्रॉब्लम है तो गेंदा का खेती करने से निमाटोड भी कंट्रोल हो जाता है। मिर्चा और टोमेटो का खेत में भी शूट और फूट बोरर का प्रॉब्लम है तो ट्रैप क्रॉप हिसाब से गेंदा का खेती किया जा सकता है। बैगन, टोमेटो एंड मिर्चा का खेती में ट्रैप क्रॉप हिसाब से मक्का का भी यूज किया जा सकता है। गेंदा का जैसे यूज किया जाता है मक्का का भी उसी हिसाब से यूज करना चाहिए। 15 लाइन का बाद एक लाइन मक्का का भी पेड़ लगा दे सकते हैं तो हम लोगों का ये कंट्रोल हो सकता है। मैन क्रॉप्स का पौधा रोपाई से एक हफ्ता या 10 दिन पहले ट्रैप क्रॉप को रोप देंगे तो वो सबसे इफेक्टिव होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे बांधा गोभी का ट्रैप क्रॉप का बारे में। बांधा गोभी जनरली खरीफ एंड रबी दोनों मौसम में किया जाता है। खरीफ का समय में बांधा गोभी में एफिड्स का अटैक बहुत होता है। एफिड्स छोड़ के बांधा गोभी में डायमंड बैक मॉथ नाम का एक कीड़ा का अटैक देखा जाता है और फ्ली बीटल नाम का एक कीड़ा का भी अटैक देखा जाता है। तो ये तीनों कीड़ा एफिड्स, डायमंड बैक मॉथ एंड फ्ली बीटल, इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए ट्रैप क्रॉप हिसाब से हम लोग मूली एंड सरसों का यूज कर सकते हैं। इसका सिस्टम वही रहेगा, 15 सारी गोभी के बाद एक सारी सरसों या मूली का खेती करना। बांधा गोभी का डायमंड बैक मॉथ से अटैक होने से गोभी इसी टाइप का देखने के लिए होता है। तो डायमंड बैक मॉथ का और एक हम लोग ट्रैप क्रॉप हिसाब से यूज कर सकते हैं वो है टोमेटो। 15 लाइन का बाद एक लाइन हम लोग टोमेटो का भी खेती कर सकते हैं ट्रैप क्रॉप हिसाब से। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कपास का फसल में जो डिफरेंट कीड़ा का अटैक होता है उसमें कौन सा ट्रैप क्रॉप किया जा सके उसका बारे में। कपास में सबसे ज्यादा कीड़ा का अटैक होता है। फर्स्ट हम लोग जानेंगे हेलियोटिस नाम का कीड़ा का बारे में। ये कीड़ा जनरली फूल और फल को अटैक करते हैं। इस कीड़ा को हम लोग कंट्रोल करना चाहेंगे तो बॉर्डर क्रॉप हिसाब से हम लोगों का कैस्टर का प्लांट लगाना होगा। पूरा चारों साइड कैस्टर का प्लांट हम लोग लगा देंगे तो ये कीड़ा कंट्रोल होने का चांसेस रहता है। हेलियोटिस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग अल्फा अल्फा का भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग कैस्टर को यूज किए हैं उसी हिसाब से बॉर्डर क्रॉप हिसाब से अल्फा अल्फा को यूज करेंगे तो हेलियोटिस कंट्रोल होने का चांस बहुत रहता है। कपास का हेलियोटिस कंट्रोल में हम लोग चना और बोदी का भी ट्रैप क्रॉप हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसमें हम लोगों को याद रखना होगा कि कपास का 5 लाइन का बाद एक लाइन चना या बोदी का खेती करना होगा। कपास में फ्लावर कॉटन वीविन नाम में एक कीड़ा का भी अटैक देखा जाता है। इस कीड़ा को कंट्रोल करने के लिए ट्रैप क्रॉप हिसाब से हम लोग ओकरा या भिंडी का अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 10 लाइन का बाद एक लाइन ओकरा लगाना होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लहसुन के बारे में, लहसुन या गार्लिक। लहसुन में जनरली देखा जाता है कि थ्रिप्स का अटैक बहुत होता है। थ्रिप्स का अटैक होने का वजह से लहसुन का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है।
लहसुन को हम लोग 80-90% ट्रैप क्रॉप यूज करके हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इसका जो थ्रिप्स है। इसके लिए गेंदा का हम लोगों को बॉर्डर क्रॉप हिसाब से यूज करना होगा। गेंदा नहीं है तो बेसिल का भी हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेसिल को भी बॉर्डर क्रॉप हिसाब से ही लगाना होगा। तो लहसुन का जो थ्रिप्स है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग बेसिल एंड गेंदा को अप्लाई करना होगा। इस वीडियो में ट्रैप क्रॉप के बारे में पूरा कंप्लीट बात नहीं आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे और कितना ट्रैप क्रॉप है उसके बारे में बोलने के लिए। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। जरूर इसको लाइक।